जी मैं ऑब्वियसली यहाँ पे हितेन के लिए हूँ एंड ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड और द इन्वेस्टिगेशन से मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छा सस्पेंस थ्रिलर होगा ये एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं एंड बाहर आके मैं आपको बताता हूँ कि कैसा लगा. किसके एक्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? जी मैं जैसे कि मैंने बोला हितेन की एक्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये देखने के लिए कि ये कैसा वेब सीरीज़ है क्योंकि ट्रेलर से जो भी अब तक मैंने देखा है उससे बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है एंड एक अच्छा थ्रिलर लग रहा है. सबसे पहले तो ये जो वेब सीरीज़ है इन्वेस्टिगेशन, इसमें बहुत ज़्यादा थ्रिल होने वाला है और मैं इसके लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी हितेन जी को. हमारे टीवी के बहुत स्पेशल सदस्य हैं वो और वेब में कदम रख रहे हैं पहली बार, सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. और साथ ही साथ हमारी प्यारी ससुराल सिमर का की जो विलन थी जिन्होंने मुझे बहुत सताया है, हमारी खुशी जो इट्स ना प्रोड्यूसर बन गई है और उनके पति ने ये डायरेक्ट किया है नितेश ने, एंड आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर एज अ डायरेक्टर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर एंड आई थिंक दे विल मेक अस प्राउड. खतरों के खिलाड़ी कल से ऑन एयर होने वाला है. ये कल से हाँ खतरों के खिलाड़ी आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन्स पर. प्लीज़ बहुत मेहनत की हम लोगों ने, बहुत सारी चोटें खाई है वो भी आपको पता चलेंगी, सो यू हैव टू वॉच. इसी के साथ में जिस तरीके से इंडिया में एक्टिंग सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, आपको लगता है प्रोडक्शन सिखाने के लिए भी ऐसे इंस्टीट्यूट बनना चाहिए? दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन. या होने चाहिए, ऑफ कोर्स होने चाहिए और सबसे पहली स्टूडेंट मैं रहूँगी. कॉकरोचेस मेरा सबसे बड़ा फोबिया और एक ही फोबिया था कॉकरोचेस, और मेरे पहले ही स्टंट में बहुत सारे कॉकरोचेस दिए मुझे रोहित सर ने. यू गोना लव इट. ये तो आप भी जानते हैं, एक ऐसा किरदार था, एक कॉप का किरदार था जो बचा हुआ था और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आया और इतना अच्छा माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर आया. एसीपी विशाल गायकवाड क्राइम ब्रांच का टॉप कॉप है, तो पावर है, अथॉरिटी है और बहुत कुछ है, तो कैसे इन्वेस्टिगेट करता है. बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं पर बहुत सारे केसेस, कोई एक ऐसा केस होता है जिसमें आदमी खुद फंसता है, तो ये एक ऐसा केस है जिसमें वो खुद फंसता है और वो कैसे उससे बाहर निकलता है या नहीं निकलता है, ये है इन्वेस्टिगेशन. पॉप से आपने इंस्पिरेशन ली है? वापस से लेकर जी दोस्त लोग बहुत हैं जो भी मेरे हैं कॉप्स, उनको दूर दूर से देखा है बिना बताए उन्हें, प्लस मैंने बहुत सारे कॉप्स के इंटरव्यूज पढ़े हैं, देखे हैं, कुछ यू नो छोटे छोटे न्यूएंसेस रखने की कोशिश की है जहाँ यू नो दे टेक पॉजेस एंड दे बोलते कुछ और है करते कुछ और है, तो यू नो वो सब थोड़ा सा करने की कोशिश की है. बहुत सारे कॉप आए हैं, दबंग, सिंघम, जी अभी सिम्बा भी आया है. जी उनसे कुछ इंस्पिरेशन लिया आपने? नहीं, वो थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई कॉप्स हैं. वो स्टार कॉप्स हैं. हमारा एक थोड़ा सा हमने थोड़ा रियल रखने की कोशिश की है, ऐसा नहीं कहूँगा कि वो रियल नहीं है बट लिबर्टी लेते हैं बहुत सारी, लेकिन इसमें हम उतनी लिबर्टी नहीं ले सकते, तो जितना क्लोज टू रियल रख सके उतना रखा है. यही कहना चाहूँगा कि यार अब तक आपने मेरे सारे शोज देखे, आप चाहते थे कि मैं वेब पे आ जाऊँ, मैं वेब पे भी आ गया और मैंने ये थोड़ा सा अलग एक कैरेक्टर किया है, एक अलग किरदार है एसीपी विशाल गायकवाड़. इसकी लाइफ में क्या होता है और कैसे होता है ये भी देखिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा. आपका प्यार आपकी शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ है, तो थैंक यू सो मच. मैंने अभी देखी है, मैं सस्पेंस और थ्रिल इनका खराब नहीं करना चाहूंगी. नहीं बता मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ किसी और को, सिर्फ इतना बताऊंगी कि बहुत मजा आया देखने में. यू विल लव हितेन जी बिकॉज़ ऑब्वियसली वी ऑल लव हिम, इट्स वेरी ऑब्वियस. बचपन के हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे बचपन के फेवरेट है. ये सुनने में उनको बिल्कुल अच्छा लगेगा कि हमारा बचपन मतलब उनका कितना हो गया, मतलब सोच सकते हैं आप. नो बट अदर देन दैट आल्सो द डायरेक्शन इज फैबुलस, इट इज एब्सोल्युटली फैबुलस एंड लाइक आई सेड सस्पेंस है, थ्रिल है, बहुत ज्यादा है, देखने में मजा आएगा. जाओ अभी जो मैंने ऐसे आधी अधूरी चीजें देखी है ना, मुझे अब बाकी के एपिसोड्स देखने हैं, वो जो मेरे अंदर जो अब चुल है ना वो आपको समझ आएगी देखने के बाद. क्यों,
I'm absolutely excited because Nitesh ne dekh ke Hiten bhai acting kar rahe hain aur meri friend dekh ke aayi hai to abhi ye baat aise acche acche review de rahi hai to andar ja ke I'm really looking forward to it. खतरों के खिलाड़ी हमारे साथ खतरों के खिलाड़ी खड़े हुए हैं एंड क्या क्या फाड़े मार के आए आप उत्तर भूल जाके नहीं नहीं ऐसे नहीं बताओ ना सही है ऐसे नहीं होता मैं बहुत कॉकरोचेस कीड़े मकोड़े हाइट फिर टियर गैस अरे बहुत कुछ किया वो आपको सब देखना पड़ेगा अच्छा तो मतलब अभी आप आर्मी के लिए तैयार हो गए Ooh, how was it working with Rohit Shetty? I should be asking. I'm going to take money from you. How was it working with Rohit Shetty, Rohit sir? Rohit Shetty sir के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. उनकी जो personality है, वो हमें बहुत support करते हैं stunts के time. और वो देखने में आप लोगों को मजा आएगा. Now enough about Rohit. नहीं. और क्या पूछना है? Stunt के अंदर इतना डर लगा Rohit Shetty ने आपका support किया. बहुत ही ज़्यादा डर लगा और रोहित शेट्टी ने ऑब्वियसली लाइक आई सेड बहुत सपोर्ट किया लेकिन साथ ही बाकी जितने लोग मेरे साथ आए हैं उन्होंने आए थे उन्होंने सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया आई वाज द यंगेस्ट ऑब्वियसली तो सबको ऐसे बेबी सिटिंग करने की आदत पड़ गई क्या कहना चाहेंगे कितना एक्साइटेड है द इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए और पहली बार डेब्यू है वेल मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की डेट में जहाँ हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं वहाँ पे एनीथिंग लाइक दिस विच हैज़ गुड एक्टर्स गुड स्टोरी एंड गुड कंटेंट अगर आप दे रहे हो तो आई थिंक इट्स वेरी गुड थिंग एंड हितेन भाई का डेब्यू है सो इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर वी मतलब बोला नहीं चाहिए हालांकि लुक्स प्रॉब्ली हमसे भी जवान लगते हैं बट वी लिटरली ग्रोन अप सीइंग हिम यू नो उनके शोज देख के हम बड़े हुए हैं एंड डिजिटल में जब कोई ऐसा एक्टर आता है डेफिनेटली कुछ अलग देखने को मिलता है सो रियली एक्साइटेड बट आई वुड लाइक टू ऑल्सो ऐड दैट डिजिटल इज द नेक्स्ट बिग थिंग लाइक अगर आप देखें तो डिजिटल ही चल रहा है एंड डेब्यू कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है मेरा दोस्त भी हमारा जो दोस्त है आर्यमन सेठ वो भी डेब्यू कर रहा है इसके साथ एंड वी आर वेरी हैप्पी वी आर वेरी प्राउड ऑफ अ फ्रेंड एंड ऑल्सो हितेन भाई एंड वी आर हियर टू आई एम श्योर इट्स गुड बिकॉज आर्यमन जब इसके बारे में शूट कर रहा था आई रिमेंबर लिसनिंग अबाउट कपल ऑफ सीन्स आउट ऑफ द सीन्स एंड जनरली अच्छा साउंड कर रहा था सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या और ट्रेलर भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है इट्स वेरी थ्रिलिंग वेरी थ्रिलिंग एंड यू वांट टू नो कि अब क्या होगा सो इट्स So really looking forward to it. जिस तरीके से देखा जाए इंडिया के अंदर एक्टिंग सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है स्कूल्स हैं आपको ये लगता है प्रोडक्शन सिखाने के लिए भी एक्टिंग ऐसे इंस्टीट्यूट बनना चाहिए भाई प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए ना इट्स इसमें आप कुछ सिखा नहीं सकते आई मीन आई एंड ऑल्सो आई वुड वॉन्ट टू नो कि किस टाइप के प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं यू नो इट्स डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन यू टॉकिंग अबाउट आई डोंट नो कि अब क्या कहना चाह रहे हो कैसा प्रोडक्शन कौन सा प्रोडक्ट नहीं आई मीन टू से कि मतलब प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा काम होते हैं जैसे कि एक्टिंग हो गई एक्टिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं प्रोडक्शन के लिए जिस तरीके से मैंने देखा कि मतलब विस्लिंग वुड्स हो गया एक उसमें अच्छा, फिल्म मेकिंग और वो सब का जो एग्जैक्टली इट रियली डिपेंड्स कि फ्रेंकली मैंने आज तक कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया मेरे को 10 साल हो गए मैंने एक्टिंग कोर्स आज तक नहीं किया बट इट्स समथिंग विच इज़ इन यू आप कर करके आ जाती है एंड आई थिंक सिमिलरली आई डोंट थिंक कोई भी चीज़ आपको ऐसे सिखाई जा सकती है स्पेशली इस फील्ड में You be there, you do it, and you learn as simple as that. So I don't know how it really helps on. That's what I think. Kashmir ki initially stage mein, jab starting mein, kam rating aa rahi thi, log troll bhi kar rahe the. To kis tarah se recover kiya? Ye to aap hi bataiye. इसमें हम कुछ नहीं नहीं बट अब यही है कि कसौटी की इनिशियली हमें पता था कि इतनी हाँ सो कसौटी का जब स्टार्ट हुआ था बहुत हाइप थी उस हिसाब से हमारी टीआरपी नहीं आई थी वी ऑल वर डिसअपॉइंटेड क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं और अब आपको पता है कि इट्स वन ऑफ द लीडिंग शोज एंड वी आर वेरी हैप्पी अब 2.7 थी अभी न्यू ईयर की वजह से थोड़ी सी कम है बट वी नो कि ऊपर आएगी एंड कसौटी जैसे पहले बहुत बड़ा हिट गया था आई एम श्योर सूनर और लेटर ये भी जाएगा फॉर श्योर आई टेल यू समथिंग मैं छोटी चीज़ बोलना चाहूँगा नॉट दैट आई वॉच द शो और आई नो एनीथिंग अबाउट द शो ऑल आई नो इज साहिल इज डूइंग इट पार्थ इज डूइंग इट एंड एकता मैम हैज मेड इट जब भी आप किसी एक ब्रांड को वापस लाते हो इट्स ऑलवेज इट्स अ चैलेंज गेट इट बैक देयर जहाँ पे आपने छोड़ा था एंड स्पेशली कसौटी की हम बात कर रहे हैं जब टीवी पे 21 और 22 की टीआरपी आती थी आज हम 2.7 की टीआरपी को वन ऑफ द टॉप शोज बोलते हैं सो कसौटी वो शो है जिसने 22 की टीआरपी देखी तो ऑब्वियसली शो को वहाँ लाना बहुत ईजी नहीं होता बट आई थिंक देर वेरी फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री हू कैन एक्चुअली डू इट एंड आई थिंक एकता इज वन ऑफ देम एंड और ये मैंने खुद देखा है विद टाइम वो ब्रांड डेफिनेटली बढ़ा काम करते करते मैंने खुद देखा कि एकता मैम क्या कुछ कर सकते हैं लाइक शी इज
मुझे समझ नहीं आ रहा टीवी में हो क्या रहा है बट जो हो रहा है ना वो इकता ही चला रही है लेट्स बेट वेरी प्रैक्टिकल सो कि एक बार जो शो चल रहे हैं वही चल रहे हैं जो इकता चला रही है अगर इकता में वापस जाएं तो करना चाहेंगे शो की नहीं भाई मैं टीवी नहीं करता हूं मैं टीवी कर ही नहीं मेरे आई डोंट नो इफ लॉट ऑफ पीपल यू नो बट ही इज अ सिंगर नाउ इनको पता है सो आई जस्ट शॉट फॉर माय फर्स्ट फिल्म अपनी डेब्यू फिल्म शूट करके आया हूं फिल्म का नाम है आदत जिसमें मैं मेन विलन हूं करण सिंह ग्रोवर बिपाशा बासु एंड सोनाली रॉत नताशा सूरी फिल्म है ये हम पांच हैं इसमें थ्रिलर फिल्म है मीका बाजी ने प्रोड्यूस की है एंड मार्च एंड और अप्रैल टाइप से फिल्म रिलीज होगी ये सब अपनी सारी इंडियन लाइक सब लोगों को हम दोनों की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे हम जितने देसी हैं तब तक देसी रहेंगे तब तक ओके जितना बाहर वालों जैसा बनना कोशिश करेंगे बनने की तब तक प्रॉब्लम होगी बट हम पूरी कोशिश करते हैं हम देसी रहें जहाँ से आए हैं वहाँ पे जुड़े रहें सही बात पंजाब के हाय दिस इज अदिति शर्मा एंड यू वाचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए